إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ان اول بيت ان کی خدمت میں گلہ عقیدت پیش کریں یہ پھول ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمراہ آپ ہیں تو معطر ہے کائنات ہمراہ آپ ہیں تو معطر ہے کائنات جو ہی گلاب چمپا چمبیلی ہے زندگی اس کے بعد سیکرٹری منسٹری آف مائنورٹی افیئر مسٹر سیلش آئی اے صاحب بیٹھے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے نہ صرف حج ہاؤس بلکہ اس بار جو پورا عازمین حج کا اہتمام ہے اس میں سیلش صاحب کا بہت بڑا یوگدان ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس کے بعد عالی جناب ایچ ای سامی یحییٰ صاحب میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں وائس کونسل جنرل آف سعودی عربیہ سی او صاحب ان کی خدمت میں پھول پیش کر رہے ہیں سامی صاحب کی شرکت بھی ہمارے اس پروگرام کے لیے یقیناً مسرت کی بات ہے اس کے بعد مسٹر شیخ جنہ نبی صاحب ایکٹنگ چیئر پرسن حج کمیٹی آف انڈیا سی او صاحب ان کی خدمت میں یہ گلہ عقیدت حج کمیٹی کی جانب سے پیش کر رہے ہیں مسٹر نظام الدین ڈائریکٹر حج آل ممبرز اینڈ اسٹاف حج کمیٹی انڈیا کی جانب سے سی او صاحب ان کی خدمت میں یہ پھول پیش کر رہے ہیں جناب عنایت حسین قریشی صاحب کے لیے جناب جمال صدیقی صاحب کی خدمت میں چیئرمین مہاراشٹر حج کمیٹی یقیناً آپ کے بغیر یہ محفل ادھوری ہے ہم مہاراشٹر میں ہیں تو پہلا خیر مقدم انہی کو ہونا چاہیے اس کے بعد آج فیلسٹیشن ہے علی جناب مختار نقوی صاحب کا یہ فیلسٹیشن دراصل ایک شہری استقبالیہ ہے سر ہم بمبئی والوں کی طرف سے اور بمبئی والے آپ کو میڈیا بائٹ ملے گا تھوڑی دیر بعد آئیے کہتے ہیں کہ رقص میں تیز کرو سانس کی لے تیز کرو رقص میں تیز کرو سانس کی لے تیز کرو سوئے میں خانہ سفیران حرم آتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن تیری منزل کی طرف میرے قدم آتے ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ عالی جناب سر 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 ریسپیکٹڈ ایکسلنسی وائس کونسلر جنرل آف سعودی عربیہ سامی بی تومی ہمارے منسٹری آف مائنارٹی افیئرس کے سیکرٹری شیلیش صاحب حج کمیٹی آف انڈیا کے چیئرمین شیخ جنا نبی صاحب
हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ मखसूस साहब, हमारे हज के डायरेक्टर निज़ामुद्दीन साहब, महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी साहब, हमारे हज कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पर जो मंच पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मौजूद मुंबई के अलग अलग हिस्सों से आए भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो हज कमेटी को, उनके मेंबर्स और ऑफिस बैरर्स को, सीईओ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत हाल इस मुंबई में आपने आज तैयार किया है और जिसकी शुरुआत की है। मैं पिछली बार भी जब आया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत इतनी खूबसूरत जगह है और उसको जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए, क्योंकि आवाज़ भी गूंजती थी, सारे धूल गर्दे भी आते थे और कोई भी किसी तरह का जो है वो प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये किया है और आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। एक हमारा यहाँ पर ऑडिटोरियम का भी, मैं जब हज कमेटी का मेंबर था तो उस वक्त भी हम लोगों ने उसकी बहुत कोशिशें की थी और मैं पिछली बार से उसमें लगा हुआ हूँ कि उस ऑडिटोरियम को भी शुरू किया जा सके जल्द से जल्द, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो ऑडिटोरियम भी कंप्लीट हो सके। मेरी समझ से 1000 की कैपेसिटी का है वो, और बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम इसी हज हाउस में ही है, उसको भी शुरू किया जा सके। जब मैं पिछली बार यहाँ पर, बहुत से लोग जो उस वक्त भी रहे होंगे, तो हम लोगों ने जब यहाँ पर आप लोगों से बातचीत हुई थी और मीटिंग में ज़िक्र हुआ था कि हज के और हज के कोटे के बारे में, तो उस वक्त जो है वो मैंने कहा था कि अभी जो कोटा है हमारा वो दो मुल्कों से, एक इंडोनेशिया और एक पाकिस्तान, उससे कम है और मुल्कों से ज़्यादा है। और हमने ये कहा था कि इंशाल्लाह अगले साल जब हम लोग मिलेंगे तो ये पाकिस्तान का नंबर भी क्रॉस करेगा और 2 लाख जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा करने जाएंगे, और वो जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने जा रहे हैं। और अभी हमारे जो काउंसलर जनरल हैं उनसे बात हो रही थी तो ही अश्योर मी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यू क्रॉस इंडोनेशिया आल्सो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। उस वक्त ये भी एक बात आती थी कि GST 18% है और उसको कम होना चाहिए, उसके बारे में सरकार में जो उस वक्त अरुण जेटली साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स थे, काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जो GST काउंसिल है उससे भी बातचीत हुई, और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की कोशिशों से GST भी 18% से 5% हज यात्रियों पर की गई। एक बहुत, मैं तो खैर बचपने से सुनता आया हूँ, आप लोग भी सुनते आए होंगे, ज़कावुल्लाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हज सब्सिडी जो है वो बहुत एक बड़ी गाली पड़ती थी कि ये मुसलमान जो है वो सब्सिडी लेके हज पर जाते हैं, जबकि ये पूरी तरह से छल था। मैंने बहुत इसकी तह तक देखा, ये छल था, और इस हज सब्सिडी के छल को ईमानदारी के बल से ख़त्म करने की कोशिश की गई। और इस बार जो है वो, पिछली बार भी और इस बार जो 2 लाख हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर जाएंगे वो बग़ैर किसी सब्सिडी के जा रहे हैं और किसी पर जो है गैर ज़रूरी बोझ नहीं पड़ने दिया जा रहा है। आज हमें इस बात का फ़ख्र है कि मेरे मुल्क में, मेरे देश में जो एक गंगा जमनी तहजीब है, जो यूनिटी एंड हारमोनी का माहौल है, वो हम सब समाज के सभी हिस्सों को मिल करके है। अभी मैं किसी एक मुल्क की, अमेरिका की या कहाँ की, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि साहब हिंदुस्तान में
जो है वो टॉलरेंस नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश का जो सेकुलरिज्म है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, डेमोक्रेसी की भी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और मैं इस सेकुलरिज्म की जड़ों को बनाने के लिए इस मुल्क के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको मैं मुबारकबाद देता हूं कि जब मुल्क बटा और उस वक्त मुल्क बटने के बाद जो है वो एक तरफ पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री बन रहा था, तो इस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने तय किया कि नहीं, ये मुल्क सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और ये मुल्क सेकुलर और डेमोक्रेटिक है। इसलिए हमारे यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी हम बहुत मिल करके मिलजुल करके इस मुल्क में रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा और एक्टिविटी कामयाब नहीं हो पाती। कुछ आइसोलेटेड अगर घटनाएं होती हैं तो सब मिल करके उसका खात्मा करते हैं, और करना भी चाहिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी कोशिशें हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उन तक विकास की रोशनी बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी स्पीड ब्रेकर के पहुंच सके, ये हमारी कोशिश है। एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, एम्पावरमेंट के लिए जो भी ईमानदारी के साथ कर सकते हैं वो करेंगे। और ऊपर वाले ने, खुदा ने हमारे हाथों से जो भी कौम की फलाह बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए कराना चाहा है, वो मैं करने की पूरी तरह से कोशिश ईमानदारी से कर रहा हूँ। अभी मुझे एक पंखा देख करके याद आया कि ये चलता है ना, ये सीओ साहब चलेगा ना, क्योंकि जो हज हाउस पे हिंदुस्तान का एक तिरंगा मुंबई क्या बल्कि और तमाम जगहों से बहुत ऊंचा है, कहाँ हिंदुस्तान भर से, पूरे इंडिया में सबसे ऊंचा तिरंगा जो है वो हज हाउस पे लहरा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अजमेर शरीफ में सबसे बड़ा भगवा झंडा भी लहराता है क्योंकि सूफियाना रंग है वो। और ये जो पंखा है ये तो मैं भी समझता कि आपने स्पेशल बनवाया कि मिलता भी है ये, 24 फीट है? नहीं, 24 में मिलता है मार्केट में, मैंने तो नहीं देखा। बचपने में मेरे घर में एक लगा था, वो धीरे धीरे चलता था, वो तो उसका लकड़ी का उसका वो होता था। चलिए, ये भी अजूबा है, लोग आएंगे तो देखेंगे। लोग एसी नहीं चलाते उनके लिए। और मैं एक बार फिर से, जो लोग हज के काम में लगे हुए हैं, जो हज के यात्रियों की सेवा करते हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। और लगभग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्री जा रहे हैं, और आई वांटेड टू थैंक्स हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द हज कोटा 2 लाख, क्योंकि इस 2 लाख हज कोटे के बढ़ने की वजह से जितने भी बड़े स्टेट हैं, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, और भी कई बड़े स्टेट हैं जहां पर कि अब वेटिंग लिस्ट है ही नहीं, जितने लोगों ने भी एप्लीकेशंस भरी वो सब के सब जो है वो जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है वो, और अगले साल हमारी कोशिश होगी कि अगले साल जो है वो और बढ़ सके। एक बार बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई की, और मैं कोशिश करूंगा कि हज के काम में और भी जो कौम के सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के साथ जो मुल्क के तमाम तबके 130 करोड़ हिंदुस्तानी जिस तरक्की के रास्ते पर हैं उसमें कोई भी हिंदुस्तान का तबका पिछड़ा नहीं होना चाहिए, तरक्की की रोशनी से अलग नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश होगी। खुदा हाफिज़। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जानते हैं कि हज का फेयर बढ़ता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नकवी साहब ने हमें सऊदी भेजा और वहाँ से अजीजा मदीना में करीबन 150 रियाल कम कर दिया, और हम लोग और चाहते हैं कि हज का फेयर इंशाल्लाह कम करे। मैं और टाइम वक्त में नहीं लेता हूँ कि बोलने वाले मिनिस्टर साहब हैं, वो इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये थे जिना साहब। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द सुनते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए इससे पहले कि दूसरी तकरीर हो, हमारे एक मेहमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र माइनॉरिटी अफेयर मिस्टर श्याम त्यागड़े साहब यहाँ तशरीफ लाएँ। मैं सीओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप उनका इस्तकबाल करें, श्याम त्यागड़े साहब का। आपको भी तालियों से खैर मकदम करना चाहिए कि ये हमारे मेहमान हैं। आइए अब मैं जिस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ, गैर महसूस तरीके से उनका रोल भी इस हज कमेटी को संवारने में बड़ा अहम है। वो सेक्रेटरी हैं ख़ास तौर पर, और ये सारे काम जो सरकारी आप देखते हैं उनमें बड़ा रोल है। हमारे आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी जनाब सैलेश साहब का मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैलेश साहब आप आएँ। कहते हैं कि खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। मैं सैलेश साहब से गुजारिश करता हूँ आपके साथ। माननीय मंत्री महोदय जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक्सेलेंसी वाइस काउंसिल जनरल, हिंदुस्तान के लोकतंत्र और पंथ निर्देशता की नींव, इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के सहिष्णुता की ताकत से पड़ी। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में अपने को इस्लामी थे, लेकिन देश के बहुसंख्यक समाज का की सहिष्णुता और बहुसंख्यक समाज की संस्कृति और संस्कार का लेकर कि हमारा देश जो है वो आज एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्थाओं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कार, अलग अलग खान पीन, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन हर भारतवासी का एक ही संकल्प और एक ही संस्कार है कि हम सही सौहार्द और एकता के साथ भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और इस देश में दुनिया में जहाँ पर आतंकवाद, आतंकवादियों के हौसले बढ़े हैं, दुनिया में जहाँ पर आतंकवाद अलकायदा जैसा, आईएस जैसा आतंकवादी संगठनों ने अपने जाल और अपनी जड़ें जमाई है, वहीं देश में ऐसे शैतानी ताकतें जो न केवल इंसानियत के दुश्मन हैं बल्कि अमन के दुश्मन हैं, वो इस देश में अपनी जड़ें बिछा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि हमारे देश के लोगों के जो सहिष्णुता है, हमारे देश के लोगों में जो सौहार्द है, और साथ ही साथ इस देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरह जानता है कि आतंकवाद केवल इंसानियत का दुश्मन नहीं है बल्कि इस्लाम का दुश्मन है, और इसलिए ऐसी ताकतें हैं उनको इस देश के मुसलमानों ने भी पूरी तरह से रिजेक्ट किया, और इसी का नतीजा है कि ऐसी ताकतें इस देश में अपनी जड़ें नहीं हैं। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों तक विकास के रूप में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के पहुँचे, इस संकल्प के साथ मोदी की सरकार काम कर रही है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और आने वाले दिनों में पिछले 5 सालों में हमने समाज के सभी वर्गों के आंखों में खुशी जिंदगी में खुशहाली आए इस काम के लिए काम किया है और आने वाले 5 सालों में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस बार जो है वो इस देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का मुसलमान है, 2 लाख हज यात्री हिंदुस्तानी हज यात्री हज यात्रा में जा रहे हैं जिसमें कि लगभग 48% महिलाएँ हैं और 2300 गैर महरम महिलाएँ भी जा रही हैं। 21 इम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्रा हो रही है और उसमें कई बड़े राज्य ऐसे हैं जिसमें कि बगैर किसी वेटिंग लिस्ट के सभी हज यात्री हो जाएंगे। साथ ही हमने पिछले 5 सालों में पिछले 1-2 साल में ही जो हज सब्सिडी का छल था उसको ईमानदारी के बल से खत्म किया और आज जो है वो 2 लाख हिंदुस्तान का हज यात्री मुसलमान हज यात्रा पर जा रहा है तो बगैर किसी हज सब्सिडी के जा रहा है और उस पर किसी भी तरह का गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश होगी कि सोशो इकोनॉमी एजुकेशनल एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ बराबरी उसे अल्पसंख्यक समाज की भी हिस्सेदारी की मौजूदा सरकार क्या मॉब लिंचिंग में फेल है? मेरा सवाल है कि मॉब लिंचिंग को लेकर जो वारदातें दुनिया भर में हो रही हैं क्या मौजूदा सरकार इस चीज को लेकर क्या काबू पाने में नाकाम है? देखिए पहली बात ये कि इस तरह की कोई भी क्रिमिनल घटना देश के किसी भी हिस्से में हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जहां पर भी हुई है वहां पर कार्रवाई की गई है और हुई है। नंबर 1। नंबर 2, इसको मुल्क भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं ऐसा बढ़ा चढ़ा करके पेश करना भी देश के हित में नहीं है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो अमेरिका की कोई एजेंसी हमारे मुल्क पर सवाल खड़े करती है। इसलिए हमने जो शुरू में कहा कि इस देश का जो मुल्क का भाईचारा है, इस देश की जो सहिष्णुता है, इस देश का जो सौहार्द है, वो समाज के सभी वर्गों ने मिलकर के उसके ताने बाने को बनाया है और कुछ क्रिमिनल माइंडसेट के लोग अगर उस ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सबको मिल करके उस किसी भी साजिश को नाकाम करना है, उसे असफल बनाना है। नकवी साहब, एक सवाल आपसे है, राजस्थान में जो पहलू खान की हत्या हुई थी लिंचिंग में ही हुई थी, अब जो चार्जशीट आई है तो राजस्थान की जो पुलिस है उसने पहलू खान को ही उसके अंदर एक आरोपी के तौर पर भी शामिल कर लिया है ये बताकर कि वो गौ की तस्करी कर रहा था। क्या आप इस चीज़ का संज्ञान लेंगे और अगर लेंगे तो कार्रवाई का? देखिए ये पहली बात तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है वो स्टेट का इशू होता है। कांग्रेस की सरकार है अभी राजस्थान में और जो भी उपयुक्त और जो भी सच हो वो करना चाहिए। नकवी साहब, आप यहाँ पे हॉल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं लेकिन आसाम में आज़मीन हज पे हमले हो रहे हैं तो आज़मीन हज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और कहीं पर भी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो मिलना चाहिए आप देखेंगे। बिल्कुल हम उसकी एडवाइजरी भी जारी करेंगे। किस तरह से करेंगे आप ये बताइए? एडवाइजरी भी जारी करेंगे। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा महिलाएं संसद भवन तक पहुंची हैं, ऐसी स्थिति में नुसरत जहां जो है उसी से वास्ता रखती हैं, उनके सिंदूर लगाने को लेकर के देवबंद से फतवा जारी हुआ है, ऐसी स्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो भैया ऐसा है, कुछ लोग जो है वो फतवों की दुकानें चलाते हैं और फतवे जो है वो ठेले पे जैसे सब्जी बिकती है ना वैसे कहते हैं फतवा ले लो। अरे हर आदमी, ये देश जो है वो हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, हर आदमी को अपने खाने पीने रहने सहने बात करने का उसका अपना हक और अधिकार है, इस पर आप कौन सा फतवा जारी कर सकते हैं? इन फतवों की दुकानों उसका कोई मतलब नहीं होता। लोगी साहब एक सवाल, ये इंटरेस्ट के पैसों पर हज का पूरा इंतजाम होते हैं और इंटरेस्ट के पैसों पर ये तमाम चीज़ें चलती है। आप जो है वो हज जो महाराष्ट्र स्टेट है हज कमेटी के ही लोगों का कहना है, चेयरमैन ने अभी एक आदमी पहले कहा ये जो आज़मीन हज है उनको आपके सूत्रों बता रहे हो क्या? आपको भी समझ में आती है बात? आज़मीन हज जो जाते हैं अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से
वो सूदखोर है क्या? नहीं उसकी बात नहीं है, सिस्टम और क्या कह रहा है? सिस्टम यहां चल रहा है, कोई नहीं है, झूठ बात है। हर हाजी हर हज यात्री, सुनो भाई, हर हाजी हज यात्री अपनी गाड़ी कमाई से हज यात्रा पर जाता है। सुनो भाई, जाता है नंबर वन, जो वहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो दवाओं का अरेंजमेंट हो, चाहे वहाँ पर जो है वो मकानों का अरेंजमेंट हो, चाहे वहाँ पर और भी जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे से करती है। सर एक सवाल आपसे जरूर रहेगा, तबीज अंसारी की जो को पिटाई हुई थी और जो फिर बाद में उनकी डेथ हुई वो झारखंड में हुई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब उनको अपनी तरफ से उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए देते हैं, नौकरी भी ऑफर कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर जो लोग सियासत करते हैं, जो लोग इस तरह के क्रिमिनल इशू पर कंगल रंग डालने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे क्रिमिनल्स की मदद करते हैं। थैंक यू सर, एक सवाल है, आपकी सवाल है।